अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को चंडीगढ़ में हुआ। इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने शिरकत की। कविता जैन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं एवं बेटियों को बधाई दी। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली 34 महिलाओं एवं बेटियों को नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर कविता जैन ने कहा कि आज के युग में बेटियां और महिलाएं किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं। वे नई ऊंचाइयां छू रही हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बन रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं हरियाणा प्रदेश की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और ये जो दिन है, ये हमें याद कराने का दिन है कि महिलाएं किसी से भी पीछे नहीं हैं और केवल महिलाओं को अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ना है। और आज महिलाओं ने अपने आप को हर क्षेत्र में साबित भी कर दिया है। और मैं सरकार में एक प्रतिनिधि होने के नाते केवल यही कहना चाहूँगी, आज वर्तमान की जो हमारे भारत सरकार है या हरियाणा सरकार है, और वो हर कदम वो अवसर उपलब्ध कराने को तैयार है जो बेटियों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करती है। ज़रूरत केवल बेटियों को आगे आने की है। और उन बेटियों को मैं खास तौर से आज सम्मानित करना चाहती हूँ, सैल्यूट देना चाहती हूँ, चाहे वो हमारी मानुषी छीलर हो, ये छोटी बेटी मनु हो, और ऐसी बहुत सारी बेटियाँ, चाहे कल्पना चावला, साक्षी मलिक, दीपा मलिक, ममता सोदा, सुषमा स्वराज, ऐसी अनगिनत हमारी बेटियाँ हैं, और हमारे चाहे रक्षा मंत्री हो, कि जिन्होंने आज अपने आप को साबित किया है और हर उस माँ बाप के लिए, हर उस समाज की सोच को बदलने के लिए मजबूर किया है कि बेटियाँ हर वो काम कर सकती हैं। सो इन बेटियों को मैं सैल्यूट करना चाहूँगी।